ओम शांति। जब भी हम मुरली पढ़े हैं तो हम इस चित्र को सामने लाएं कि हमें पढ़ाने वाला जो शिव बाबा है वो अशरीरी है और वो शरीर में प्रवेश करके हमें पढ़ाता है। तो इसकी खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन, और ये खुशी निरंतर बनी रहे। बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं। दुनिया में दो नेत्र से लोग दुख की दुनिया में फंसे हुए हैं, कांटों के जंगलों में कांटे बिन रहे हैं, लेकिन बाबा हमें तीसरा नेत्र, बुद्धि का नेत्र दिया है। बुद्धि के नेत्र से हमारे एक आंख में सुख धाम, एक आंख में शांति धाम होना चाहिए। तो बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, हमें पवित्र बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि रॉयल्टी बहुत जरूरी है, सभ्यता, शिष्टाचार, आचार व्यवहार, विचार, और पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार, पवित्र संस्कार, पवित्र आचार होंगे तभी पवित्र प्रचार प्रसार भी हो पाएगा और पवित्र समाचार सुन और सुना भी सकेंगे। दुनिया में जो आर्मी की सेना होती है उनमें ये सिखाया जाता है कि कैसे उठना है, बोलना कैसे है, खाते समय टक टक की आवाज नहीं आनी चाहिए, चलते समय नहीं बोलना है, डिसिप्लिन। तो हम तो, बाबा कहता है कि तुम रूहानी वॉरियर हो, तुम्हारी जो डिसिप्लिन है वो सबसे अच्छी और सबसे रॉयल होनी चाहिए। विदेशों में जो रानियां रहती थी पहले, वो जब भारत में आती थी तो उनकी रॉयल्टी देखते बनती थी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ब्राह्मणों से भी अच्छी रॉयल्टी, ब्राह्मणों से भी अच्छा शिष्टाचार, आचार व्यवहार, संस्कार उनके होते थे। तो हम ब्राह्मण बच्चे जो शूद्र से ब्राह्मण बने और फिर ब्राह्मण बनने के बाद भी ऐसे कर्म हम करते हैं जिसके लिए पहले तो हम पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं और फिर अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं और फिर अपना पद भी गंवा देते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर एक एक सेकंड मूल्यवान है। बाबा हमें त्रिनेत्री बना रहे हैं, अशरीरी बनकर शरीर में प्रवेश करके हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमारी पढ़ाई में नियमितता, आदान प्रदान में प्रामाणिकता हो, कर्मों में कुशलता हो, वाणी में मधुरता हो, है? कलाओं में हम निपुण हो जाएं, फरिश्ता हम जब बने तो संपूर्ण पवित्रता के साथ बने, हमारे जीवन में सत्यता का आचरण हो, सहयोग देने में हमारा दिल बड़ा हो, इस तरह के दैवी गुणों को हम धारण करें। तो आज हम रॉयल्टी को ध्यान में रखकर मुरली को पढ़ेंगे और चिंतन मनन मंथन करेंगे। ओम शांति।